बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। नाम बनाएगा काम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं 14 सितंबर मंगलवार का दिन आपका कैसा बीतेगा, सितारे आपको क्या संकेत दे रहे हैं, साथ ही आपको एक महत्वपूर्ण काम की टिप भी बताएंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं, क्या है सितारों के संकेत आज आपके लिए आपके नाम के अनुसार। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम ए से शुरू होता है, आई से शुरू होता है, जे से शुरू होता है, क्यू से शुरू होता है या वाई से शुरू होता है, उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। आज आप ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे, जो काम करेंगे उसमें अच्छी सफलता मिलेगी, पूरा एक्टिव होकर के काम करेंगे। जो लोग मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, मैनेजेरियल डिसीजन लेते हैं, उनको आज अपने डिसीजन का बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। समय अनुकूल है, आपके सीनियर अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे। इस अच्छे समय का लाभ उठाइए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। उपाय क्या करें, हनुमान चालीसा पढ़ के दिन शुरू करें, बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई अब उन लोगों की जिन लोगों का नाम बी अक्षर से शुरू होता है, के से शुरू होता है या आर से शुरू होता है, उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। काम के दौरान क्रोध से बचिएगा, यदि गुस्सा बहुत आ जाए तो थोड़ा सा पानी पी करके खुद को शांत रखने का प्रयास करिएगा। और हाँ, जो काम आपके अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना, धीरे धीरे कोशिश करना, वो पूरे होते चले जाएंगे। ज़्यादा जोर लगाएंगे काम नहीं होगा तो फिर क्रोध आपका और बढ़ सकता है। धीरे धीरे धैर्य रखिए, वो होंगे, बस कोशिश करते चले जाएंगे। परिवार से सहयोग मिलेगा, संतान से खुशी मिलेगी। उपाय क्या करें कि आज हनुमान जी के मंदिर में बेसन के लड्डुओं का भोग लगा करके प्रसाद बांटें तो आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम सी अक्षर से शुरू होता है, जी से शुरू होता है, एल से शुरू होता है या एस से शुरू होता है, उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार में अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। बस अपनी वाणी में किसी भी तरह की ईगो मत दिखाइएगा, विनम्र भाव से अपना काम करते रहिएगा, अच्छा रहेगा, लाभ होगा। उपाय क्या करें, आज भगवान गणेश को मोदक का भोग लगा करके काम शुरू करिए, बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं अब उन लोगों की जिनका नाम डी अक्षर से शुरू होता है, एम से शुरू होता है या टी से शुरू होता है, उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। कार्यों में सफलता मिलेगी, जो बाधाएं आ रही थी वो सब दूर होंगी। अगर किसी मीटिंग में जाते हैं तो उस मीटिंग में रिजल्ट आपके पक्ष में होंगे, घर परिवार में खुशियां और बढ़ेंगी। उपाय क्या करें, भगवान गणेश को हरी धूप घास की माला अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं अब उन लोगों की जिनका नाम एच अक्षर से शुरू होता है, एन से शुरू होता है, ई से शुरू होता है या एक्स से शुरू होता है, उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। आज का दिन आपको धन लाभ कराने वाला है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में लेन देन बढ़ेगा, पैसा ज़्यादा आएगा। समय आपके लिए अनुकूल है, बस अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, स्वास्थ्य के अनुसार ही खान पान करें तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें, आज भगवान गणेश को हरे फल का भोग लगा के प्रसाद बांटें तो और शुभ रहेगा। अब बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम यू अक्षर से शुरू होता है, वी से शुरू होता है या डब्ल्यू से शुरू होता है, उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके फैसला करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। दूसरों के कहने पर अपने विचार ना बदलें। ये समय हर काम सोच समझ करके करने का है। और हाँ, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखिएगा। उपाय क्या करें कि आज भगवान गणेश की आरती करके दिन शुरू करें, शुभ रहेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम ओ अक्षर से शुरू होता है या जेड से शुरू होता है, उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। आपका पराक्रम बढ़ेगा, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होगी। जो काम करेंगे उसमें अच्छी सफलता मिलेगी, बस क्रोध को काबू में रखिएगा। उपाय क्या करें, हनुमान चालीसा पढ़ के दिन शुरू करें, शुभ रहेगा। बारी आ गई अब उन लोगों की जिनका नाम एफ अक्षर से शुरू होता है या पी से शुरू होता है, उनके लिए क्या है सितारों के संकेत। आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। अचानक कहीं से पैसे की प्राप्ति हो सकती है। आपके कार्यों की सराहना होगी, यदि जॉब करते हैं तो अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे। मेहनत करने का दिन है, मेहनत करिए, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
उपाय क्या करें, आज सुंदर कांड का पाठ करके दिन शुरू करिए, बहुत लाभ होगा। नाम बनाएगा काम में अब वक्त है काम की टिप का। आज की काम की टिप उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट लेकर के नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई में जिनके बच्चों के मन नहीं लग रहे हैं, वो लोग क्या करें। यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा और सब कुछ तो अच्छा करता है लेकिन पढ़ाई अच्छी नहीं करता, माता पिता की अक्सर शिकायत होती है कि ये पढ़ता नहीं है बाकी सब कुछ अच्छा करता है, तो आप ऐसा क्या करें कि बच्चा पढ़ने लगे। देखिए, पढ़ाई का कनेक्शन मन से है, हर बच्चा दिमाग से तेज होता है, लेकिन अगर उसका मन नहीं लगेगा सब्जेक्ट में तो वो कैसे पढ़ेगा। जब पढ़ेगा नहीं तो फिर अच्छे से एग्ज़ाम में लिख नहीं पाएगा, और फिर जब एग्ज़ाम में अच्छा नहीं करेगा नंबर नहीं आएंगे। और मन का कनेक्शन चंद्रमा से है, तो यदि चंद्रमा कुंडली में पीड़ित हो, अशुभ ग्रहों की उस पर दृष्टि हो या उनके साथ बैठा हो, तो पढ़ाई में मन नहीं लगने देता है, और दुनिया भर की चीज़ों में मन लगेगा लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करें कि बच्चे का फोकस पढ़ाई की तरफ बढ़ जाए, वो पढ़ने लग जाए। तो मन को कंट्रोल करना है, क्योंकि मन यदि एकाग्र हो गया तो आप देखेंगे कि बच्चा आपका पढ़ने लगेगा। मन को एकाग्र करने का सबसे अच्छा उपाय है कि बच्चे को सुबह उठने की आदत डलवाइए। कोरोना की वजह से स्कूल नहीं चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी सुबह उठने की आदत डलवाइए। जो बच्चे लेट सो करके उठते हैं उनको जो है पढ़ाई में ज़्यादा दिक्कत होती है। औसतन 2-4-10 बच्चों की बात अलग है, औसतन जो बच्चे लेट सो करके उठते हैं वो पढ़ाई में उतने बढ़िया नहीं होते हैं। तो सुबह उठने की आदत डालेंगे, सुबह उठ करके जल्दी से बच्चों को स्नान करा दीजिए। सुबह उठे और कोशिश करिए कि जल्दी स्नान कर ले, और स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को, राइजिंग सन को जल दे, जिससे सूर्य की किरणें उसके शरीर में प्रवेश करें और विटामिन डी भी उसे मिले, और जो सूर्य की किरणों में और जो तत्व हैं वो भी उसे प्राप्त हों। एक उपाय ये करना है। दूसरा, सुबह सुबह बच्चे को हार्ड फूड खाने के लिए ना दें, सॉफ्ट फूड, ऐसे फूड जो जल्दी पचते हैं वो खाने के लिए दें। अगर पेट ठीक नहीं रहेगा तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो सॉफ्ट फूड खाने के लिए दें, बहुत हार्ड चीज़ें खाने के लिए ना दें, बासी खाना खाने के लिए ना दें, जो एक रात या एक दिन दो दिन पहले का बना हुआ है वो खाने के लिए ना दें। फ्रिज में रखे हुए गूंदे हुए आटे की रोटी बनाकर खाने के लिए ना दें, ताज़ी गर्म रोटी, ताज़ा आटा गूंदें और उससे रोटी बना करके खाने के लिए दें। क्योंकि फ्रिज में जो आटा रखा रहता है गूंदा हुआ, उसकी जब रोटी बनाते हैं तो वो उतनी सुपाच्य नहीं होती, और पेट ठीक नहीं रहेगा तो मन ठीक नहीं रहेगा, मन ठीक नहीं रहेगा तो वो पढ़ेगा नहीं। बहुत सारे बच्चों को इस वजह से भी दिक्कत है। तो अच्छा ताज़ा खाना खिलाइए, ब्रेकफास्ट कराइए, फिर उसको पढ़ने के लिए बैठा दें। अब क्या करना है कि जहाँ बच्चा बैठ करके पढ़ता है वो स्थान तब तक बिल्कुल साफ़ कर दें, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, और जहाँ बैठ करके पढ़ रहा है वहाँ काले रंग का टेबल ना हो। अगर काले रंग का टेबल है तो उसमें सफ़ेद, आप सफ़ेद बेडशीट, सफ़ेद टेबल कवर, या ग्रीन बेडशीट या ग्रीन टेबल कवर या ग्रीन पेपर से उसको ढक दें। वाइट कलर या ग्रीन कलर आसपास होना चाहिए, और बच्चे का टाइम टेबल सेट करके उसे पढ़ने के लिए बैठा दें। सुबह कोशिश करें कि 2-3 घंटा बच्चा अवश्य पढ़े, ये रूटीन बना दें, सुबह का रूटीन। आप देखेंगे धीरे धीरे उसका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। उसके खान पान का जरूर ख्याल रखिएगा, हार्ड फूड डाइजेशन को बिगाड़ता है, और जिन बच्चों का डाइजेशन खराब होता है वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे। मुझे दीजिए अनुमति, अपने नाम की गरिमा को बना करके रखिए, भगवान कृष्ण के नाम का जाप करिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख करके हाजिरी लगाइए, हमारे साथ भी बोलिए जय श्री कृष्ण।